आप देख रहे हैं MP7 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं इमरान। पृथ्वीपुर में किसानों का हंगामा। खाद्य नहीं मिलने से सड़क पर उतरे, जमकर की नारेबाजी। हंगामे के बाद किया चक्का जाम। पृथ्वीपुर इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि यहां पर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। सड़क जाम की भनक लगते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को सड़क से हटाया। किसानों का आरोप है कि वह सुबह से खाद्य की आस में बैठे हैं। कुछ व्यापारियों को खाद्य दी जा रही है, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसी वजह से मजबूर होकर जाम लगाना पड़ा था। किसानों का कहना है कि सुबह 9 बजे से खाद के इंतजार में धूप में खड़े थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार मनीष जैन का कहना है कि किसानों ने चक्का जाम किया था, किसानों को समझा कर व्यवस्था बनाई गई है। यहां 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को खाद्य मिल रही है, बाकी को सोसाइटी से मिलेगी। जहां सोसाइटी है वहां क्या समस्या है देखूंगा। भीड़ ज्यादा है, सभी लोगों को एक साथ खाद्य नहीं मिल सकती। एक के बाद एक क्रम से नंबर आएगा। व्यवस्था के लिए पटवारी और सिपाही को बैठाया गया है, ताकि भूमि मात्रा के हिसाब से खाद्य दी जाए। बड़ी मात्रा में खाद्य यहां से नहीं दी जाए। टीकमगढ़ से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह परमार। इसलिए भीड़ लगी के किसान के लाने खाद नहीं मिल रहा। किसान को तो खाद खाने हैं का जमीन। अरे भाई, अगर 2 बोरी चाने किसान को तो वो जमीन ही में डारे, अपनी खेती में डारे, नहीं डारे बाकी बिजनेस नहीं कर सकत किसान। अगर बिजनेस करे उसे पकड़ दो भाई, उसके उपाय FIR। क्या क्या कारण है जो नहीं मिल पा रहा खाद? अब ये तो कर्मचारियों से पूछो, इस सरकार से पूछो कि किसान के लिए इतनी क्यों कमी है। और हर चीज की भरपूर भी है, लेकिन साल भर में किसान को एक दफे खाद दें चाने तो उसकी पूर्ति नहीं है सरकार के पास। तो आप लोगों ने क्या किया था अभी? अब हम लोग तो हंगामा करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, और क्या करेंगे भाई। तो अभी तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने क्या है? हम उनसे भी अनुरोध यही करेंगे कि साहब हम लोगों की सुनवाई की जाए और किसान को इतना परेशान मत करो जाए। और अगर किसान किसी भी तरह से बिजनेस करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। हम आपके साथ सरकार के साथ ही खाद न मिलने के कारण चक्का जाम करेंगे। तो मैंने आगे किसानों को चक्का जाम करने से समझाया और वापस आके व्यवस्था बनाई है। जो शासन का नियम है उसके अनुसार खाद वितरण होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो ये है डबल लॉकिंग है, यहाँ से खाद नहीं मिलती है। खाद उनके सुझाइश भी थे, लेकिन कुछ किसानों के पास दिक्कत ये है कि खाद में उनका पंजीकरण नहीं है। तो ऐसे किसान जिनका जो सीमांत किसान है 1 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है, वो लोग यहाँ से शासन के नियम अनुसार ले सकते हैं। बाकी जहाँ सोसाइटी है वहाँ पर आज जाके व्यवस्था बनाएंगे और जिस प्रकार से की व्यवस्था होनी चाहिए वो आज कुछ शाम के लगा दी। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।